हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बना रहे हैं रेशमी चिकन। पहले हम लोग इसमें हल्दी, नमक और नींबू का रस डाल दिए हैं, फिर थोड़ा देर उसको सोखने दे दिए हैं। अभी देखते हैं, आइए इसमें क्या क्या चाहिए। प्याज है, अदरक है, लहसुन है, मिर्चा पेस्ट है, सब है, जो भी मसाला चाहिए इसमें सारे मसाला है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम लोग इसमें दही दे रहे हैं। जो भी पेस्ट आपको दिखाया था सब एक एक करके दे रहे हैं, अदरक लहसुन मिर्चा प्याज इसमें, कस्तूरी मेथी का पत्ता, कस्तूरी मेथी भी जाएगा थोड़ा सा। एक साथ सबको मैरिनेट करके इसको कुछ देर के लिए ढक देंगे। ऐसे सब उपकरण को एक साथ डालने के बाद इसको बढ़िया से मैरिनेट करना है। मेरा मैरिनेट हो गया है, अब इसको हम ढक करके रख देंगे। आधा घंटा से ऊपर मैरिनेट करेंगे। कटा हुआ प्याज बाद में जब बनाएंगे। हाँ, अभी हम लोग फ्राई सेका नान बना रहे हैं। नान के लिए भट्टी चाहिए, लेकिन हम लोग इसको तवे पे बनाएंगे। ये देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि आपको उसके लिए नान के लिए भट्टी ही चाहिए, आप चाहे तो घर पे बना सकते हैं। मोटा तवा पतला थोड़ा ठीक नहीं होगा, इसी प्रोसेस पे हम लोग बना सकते हैं। पीछे तरफ से ऐसे सेक लीजिए। हमारा एक नान तैयार हो गया है, आपको दिखाते हैं। दूसरा नान भी दिखाएंगे, अच्छा तो पूरा नहीं दिखाएंगे, एक दो को दिखाएंगे। इसमें हल्का सा बटर लगा दीजिए, सॉफ्ट तो रहता है ये, खाने में मज़ा आ जाएगा। चिकन और नान दोनों एक साथ हम लोग आज बना रहे हैं। इसी तरह सबको बना लेंगे हम लोग। सॉफ्ट एंड टेस्टी दोनों होता है। इसका जो मैदा बनाने का जो रेसिपी है वो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। हम लोग बेबी नान भी बनाते हैं, वो वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा उसमें से। और इसके बाद हम लोग इसका रेसिपी डालेंगे। आप लोगों का प्यार मिलने से हम लोग और भी वीडियो बनाते चलेंगे। इसके बाद हम लोग चिकन बनाएंगे। रेशमी चिकन और नान आज का रेसिपी में है। रेशमी चिकन भी एक रेसिपी है, चिकन मसाला जैसे जैसे बनता है हर तरह का रेसिपी है। कुछ यूनिक यूनिक बनाने से अच्छा लगता है। मेरा नान बन के तैयार हो गया है।
बेबी नान और सेकंड नान का मैदा का जो रेसिपी वो एक ही सेम है। अभी हम लोग चिकन बनाएंगे। खड़ा मसाला, गरम मसाला, थोड़ा तेज पत्ता दे दिए हैं, जीरा 5 फोड़न, कटा हुआ प्याज, उसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे अभी प्याज को। पिसा हुआ मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, कश्मीरी मिर्च, मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इसमें डाल दिए अभी। चिकन बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैरिनेट किया हुआ था बहुत देरी। मैरिनेट किया हुआ चिकन जल्दी पकता है। और ये जो रेसिपी चिकन है कुछ अलग टेस्ट मिलता है, खा के देखिए, एक बार घर पे ट्राई करके देखिए। तो फ्रेंड्स आप सब बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा रहा हमारा रेसिपी। आज हम लोगों का बहुत रेसिपी था, बेबी नान, फ्राई नान, रेशमी चिकन। बेबी नान का जो मैदा तैयार किए थे उसी का ही सेका नान जो भट्टी में बनता है वही हम लोग तवा पे बनाए हैं। सेम प्रोसेस है पर आगे हम लोग अलग से इसका मैदा तैयार करने का रेसिपी भी हम लोग अपलोड करेंगे। आप सबका प्यार मिलते रहे तो हम लोग आगे वीडियो बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मेरा चिकन ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, बस आप इसको समाप्त करते हैं। नमस्कार।